तो इस हफ्ते बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या कहें कि ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और बहुत सारे नए लॉन्चेस थे, बहुत सारे अपडेट्स थे और अनाउंसमेंट्स थे। तो देखिए ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ कनौजिया और ये एक नया सीरीज़ है मेरे चैनल पर, जिसमें मैं वीकली एक टेक अपडेट्स और साथ में ऑटोमोबाइल अपडेट्स दूंगा। अभी के लिए सिर्फ ऑटोमोबाइल अपडेट्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से और सबसे बड़ी न्यूज़ से कि स्कोडा की ऑक्टाविया लॉन्च हो गई इंडिया में। दो ट्रिम्स में आती है। स्टार्ट होता है इसका प्राइस 25.99 लाख से और टॉप मॉडल इसका आता है 29.99 लाख। और दिखने में बहुत ही फीचरिस्टिक है और बहुत ही सीमलेस डिज़ाइन इसका मिलता है। और स्कोडा की बात करें तो फिर स्कोडा कुशाक का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है पुणे के चाकन में और बहुत जल्दी इंडियन रोड्स पे तो देखने मिलेगी। फीचर्स वगैरह इसके सब अनाउंस हो गए हैं, बस देखना है कब ये लॉन्च होती है, कब लोग इसे खरीद सकते हैं और क्या होगी इसकी प्राइसिंग। और लॉन्च की अगर बात करें तो फिर मर्सिडीज़ ने अनाउंस कर दिया है कि 17 जून को लॉन्च होगी मर्सिडीज़ एस क्लास का नेक्स्ट जनरेशन। और मर्सिडीज़ ने 8 जून को ही लॉन्च किया था मर्सिडीज़ मेबैक GLE, जिसे इंडिया में फर्स्ट बैच में मिले थे 50 मॉडल्स और इसका प्राइस था 2.34 करोड़ का और ये आउट सेल हो गई जस्ट कुछ सेकेंड्स में। 2.34 करोड़ की कार कुछ सेकेंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गई। टेस्ला की अगर बात करें तो टेस्ला ने शो कर दिए अपने मॉडल एस प्लेट के प्लान्स, और एस प्लेट प्लस भी आने वाला था पर लास्ट मोमेंट पर टेस्ला ने इसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि टेस्ला एस प्लेट ही बहुत पावरफुल है। और टेस्ला इंडिया में बहुत जल्दी देखने मिलने वाली है इंडियन रोड्स पर, क्योंकि इसका टेस्टिंग स्टार्ट हो गया है पुणे में ही। पुणे के रोड्स पर ये स्पॉट हुई है ब्लू कलर की, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, और देखते हैं ये कब तक लॉन्च होती है। और जैगुआर ने लॉन्च कर दिया है अपना एफ पेस, जो कम्पीट करेगी BMW X5 और मर्सिडीज GLE से। इसका प्राइस है अराउंड 70 लाख, जो अपने कंपटीशन से थोड़ा कम ही है। तो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करती है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मारुति के सेल्स को बीट किया है। ह्युंडई और किया ने मिलके मारुति के सेल्स को बीट किया है। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ह्युंडई और किया ने मिलके किए थे मई में 36,000 व्हीकल्स का सेल, और वहीं पे मारुति ने किया है 32,000 के आसपास का। और ह्युंडई की एक न्यू कार आने वाली है ह्युंडई एल्केजार, जो 18 जून को लॉन्च होगी अनाउंस कर दिया है कंपनी ने। कुछ लीक्स भी इसके आ गए जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत फीचर लोडेड होगी जैसे ह्युंडई और किया की कार होती है, पर बहुत सारे इसमें फीचर्स रहने वाले जो फर्स्ट इन क्लास होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कम्पीट करेगी MG Hector Plus और XUV500 से, और इसमें सबसे बड़ा व्हील बेस इसका होने वाला है, Hector Plus से भी बड़ा व्हील बेस होने वाला है ह्युंडई एल्केजार का। किया की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है किया डिजी कनेक्ट नाम से, जी यहाँ पे आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो और आपकी कुछ जो भी क्वेरीज होगी, आप एक कंसल्टेंसी ये सही है, चाहे आप न्यू बायर हो या फिर आप उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, उनके लिए। तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह होगा, वीडियो कॉल सर्विस है जहाँ पे वो आपको कंसल्ट करेंगे और साथ में एक 360 डिग्री टूर भी देंगे अगर आप किसी कार में इंटरेस्टेड हो तो। और नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र RTO की तरफ से कि अगर आपको अभी कोई न्यू लाइसेंस बनाना है, अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना है, तो आप घर बैठे बैठे उसके लिए अप्लाई कर ही सकते हो। साथ में आप घर से ही उसके लिए टेस्ट दे सकते हो, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और साथ में अगर आपको न्यू कार लेनी है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है RTO ऑफिस जाकर, तो वो भी अभी आपको डीलर की तरफ से ही करके मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है क्राउड को अवॉइड करने का, और ये सभी स्टेट ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बाइक्स के इसमें सबसे पहला अपडेट है कि यामा FZX बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसकी प्रूफ भी और बाइक्स के इसमें ये अपडेट है कि यामा FZX बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसकी प्री बुकिंग अनऑफिशियली स्टार्ट हो गई है बहुत सारे डीलरशिप में। रूमर्स के हिसाब से इसका लॉन्च होगा अराउंड 17 जून को और इसका प्राइस होगा लगभग 1,20,000 से 1,30,000 तक। तो रॉयल एनफील्ड ने अनाउंस किया है कि उनके और नौ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं इस साल ही, और हर साल वो लोग चार नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट लाइन बहुत ही वाइड होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है होंडा की तरफ से, होंडा गोल्ड विंग, ये होंडा ने इंडिया के पेज पर टीज करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द होंडा की गोल्ड विंग इंडिया में लॉन्च होने वाली है बहुत सारे नए फीचर्स के साथ,
VS6 नॉर्म्स पर, और ये एक टूर वेरिएंट की बाइक है, और प्रोडक्शन लाइन में ये इकलौती एक बाइक है जिसमें एयरबैग्स भी आते हैं। तो ये थे इस वीक के ऑटोमोबाइल अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।